जन भागीदारी को बढ़ावा दिया और वाहनों की आवागमन की सूचना अवैध खनन ले जाने वाले वाहनों की तो ऐसे नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ट्रक लोडर जैसे हैवी वाहनों की अवैध खनन या ओवरलोडिंग के बारे में सूचना देने पर 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कदम से बालू सहित अन्य खनन उद्योग में अवैध परिचालनों पर रोक लगेगी। अवैध व्यापार के विरुद्ध जन जागरूकता भी फैलेगी। साथ ही राज्य सरकार के सुशासन के प्रयासों से हमारे सामाजिक योद्धा सीधे तौर पर जुड़ेंगे। हमारे प्रशासनिक तंत्र के साथ अवैध खनन और खनन व्यापार की रोकथाम में आम लोगों से जुड़ाव से यह क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक केंद्रित होगा। प्रोत्साहन राशि में प्रावधान में ईमानदार लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। खनन उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित होगी। उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए फायदे की यह स्थिति रहेगा। खनन उद्योग में नए उद्यमी जुड़ने के लिए प्रेरित होगा। रोजगार का अवसर बढ़ेगा। राजस्व की वृद्धि होगी। अपराधी भ्रष्टाचारी का गठजोड़ कमजोर होगा। बिहार का खनन परिदृश्य पारदर्शी स्वच्छ समेकित और पूरी तरह से पारदर्शी बनेगा। खनन की गाड़ियों की तुरंत पहचान के लिए सभी गाड़ियों पर न्यूनतम 20 इंच चौड़ाई का लाल रंग की पट्टी भी का पेंट कराया गया है, जिस पर गाड़ी का नंबर और खनन विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होगा। इस कार्य में सकारात्मक प्रगति हो रही है। इसे 31 अगस्त तक पूरा करने का हमने निर्देश दिया है। आज पिछले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से खनन विभाग के अंदर एक व्यापक सुधार का वातावरण बनाने का हमने प्रयास किया है। पिछले बार भी राज्य में बालू की खुदरा बिक्री ऑनलाइन करने का हमने एक पोर्टल विकसित कर रहे हैं, जो 2 महीने के अंदर चालू भी होगा और आम लोगों को इससे राहत भी मिलेगा। मैं बता दूं कि जो अवैध खनन का बालू पत्थर जब्त हुआ है उसका भी हम बिक्री की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। जहां आवश्यकता होगा DM के देखरेख में उसको भी आम लोगों तक उपलब्ध कराया जाएगा। 2 नंबर हमने जारी किया है। आज बता दें कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कारण पथ निर्माण विभाग के मैं मंत्री हूं, सड़क मेरा जर्जर हो जा रहा है, पुल हमारा ध्वस्त हो रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई से हमारी कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सुधार और बदलाव होगा। हमने अपने ACS के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर मोबाइल रहेगा, नंबर रहेगा, पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। कार्रवाई भी होगी, पुरस्कार भी मिलेगा और लोग आपस में उलझे नहीं, फील्ड में लड़े नहीं, पूरी तरह से आपकी गोपनीयता को बरकरार और सुरक्षित रखा जाएगा। पहला नंबर है 94731-91437 9473191437। दूसरा नंबर है 99395-96554 9939596554। और आप सबसे अनुरोध है सारे बिहारी से कि जो अपराध माफिया का एक वातावरण बिहार के अंदर दहशत पैदा करता है, उससे मुक्ति के लिए इस अभियान में आपका सहयोग मिले। एक स्वस्थ परंपरा, एक वातावरण आने वाले पीढ़ी को उपहार में हम दें और हम बिहारी का आत्ममान सम्मान आत्मसम्मान आगे बढ़े, रोजगार का अवसर बढ़े, राज्य के राजस्व में वृद्धि हो, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। आप इसमें सहयोग करें।